श्राद्ध क्या होते हैं? श्राद्ध जो शब्द है वो निकला है श्रद्धा से, यानी जो सारे कर्म श्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं, श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं, उसे हम श्राद्ध कर्म कहते हैं। ये जो खास श्राद्ध कर्म हम इन 15 दिनों में करते हैं, जिसको हम पितृ श्राद्ध कर्म बोलते हैं, वो खास तौर पे हमारे पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जो अब इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही किए जाते हैं। उनके प्रति एक श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए इन खास 15 दिनों में कुछ तर्पण, कुछ रिचुअल्स हम करते हैं, जिसे श्राद्ध कर्म का नाम दिया गया है। क्या श्राद्ध के दौरान खरीददारी करनी चाहिए? पितृपक्ष में कोई भी मंगल कार्य करना, कोई भी उत्सव करना, ये सब चीज़ों को वर्जित बताया गया है। इस दिन, इन दिनों में कोई अच्छे मुहूर्त नहीं होते किसी मंगल कार्य के लिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि पितृपक्ष बुरे दिन हैं या दुखी रहने के दिन हैं, इसमें कुछ अच्छा काम नहीं हो सकता। ये केवल कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जिससे इन 15 दिनों के लिए हम अपने पितरों के साथ एक संपर्क बना सकें, एक एक सूक्ष्म संपर्क स्थापित हो सके, उनकी याद में हम रह सकें, उनको स्मरण करते हुए रह सकें, शुद्धि के साथ, सात्विक आहार विहार के साथ। केवल इतना ही प्रयोजन है कुछ नियमों का जो हम पितृपक्ष में पालन करते हैं। कई बार ये सुनने में आता है कि पितृपक्ष में कुछ बड़ी चीज़ नहीं खरीदना, कुछ गाड़ी नहीं खरीदना या घर नहीं खरीदना, इन दिनों में कोई बड़ा आयोजन नहीं करना। कारण केवल इतना ही है कि अपने मन को संसार से, स्थूल संसार से हटाकर एक सूक्ष्म जगत के साथ जोड़ना, जो कि पितरों का जगत है। ऐसा बताया जाता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो सबसे पहले प्रेत योनि में आती है, और उसके बाद वैतरणी नदी पार करके, जिसमें एक साल तक लग जाता है, फिर वो पितृ योनि में आ जाती हैं। पितृ जगत जो है वो बहुत ही सूक्ष्म जगत है, और उस सूक्ष्म जगत के साथ हमारा एक संबंध जुड़े। हम देखिए पूरे साल संसार की गतिविधियों में उलझे रहते हैं। हम लगभग सभी समय अपने व्यवसाय को, अपने कर्म को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने समाज को देते हैं, पर ये 15 दिन ऐसे बनाए गए हैं कि जब हम समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ अपने पितरों के साथ जुड़ें। और पितरों के साथ जुड़ने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा सूक्ष्म बनाना होता है, जो कि एक सात्विक आहार विहार के साथ में हो जाता है। पर इन्हीं दिनों में अगर हम सांसारिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो फिर वो सूक्ष्मता की यात्रा जो है वो कहीं अटक जाती है, रुक जाती है। इसीलिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक बताया है कि पितृपक्ष में सांसारिक गतिविधियों में ज़्यादा ना उलझे, बल्कि अपने आप में रहें, अपनी आंतरिक यात्रा में रहें और स्थूलता से सूक्ष्मता की यात्रा की तरफ बढ़ते चलें। केवल इतना ही प्रयोजन है। क्या श्राद्ध करने के लिए पंडित जी को घर बुलाना चाहिए और उन्हें ही खाना खिलाना चाहिए, या फिर किसी जरूरतमंद को भी खाना खिलाया जा सकता है? पितृपक्ष में दान और ब्राह्मण भोज का बड़ा महत्व है। इन 15 दिनों में किया गया दान और ब्राह्मणों को करवाया भोजन हमारे पितरों को बड़ी संतुष्टि प्रदान करता है। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि ये 15 दिन में हम जो भी दान कर रहे हैं या ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, वो सीधा हमारे पितरों तक पहुँच रहा है और जिससे उन्हें बड़ी संतुष्टि मिल रही है। जब हम दान की बात करते हैं तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है कि दान हमेशा सुपात्र को किया जाना चाहिए। सुपात्र कौन होते हैं? जब आपका दिया हुआ दान कहीं पर शांति की अभिवृद्धि कर रहा है, स्वास्थ्य की अभिवृद्धि कर रहा है, लोक कल्याण में इस्तेमाल हो रहा है, प्रेम भक्ति और ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो वो अवश्य ही सुपात्र को किया गया दान है। दूसरी ओर अगर आपका दान कहीं हिंसा फैला रहा है, किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, कहीं रोग बढ़ा रहा है, तो वो बिल्कुल भी सुपात्र को किया गया दान नहीं है। ऐसे दान करने से बचना चाहिए। ब्राह्मणों की जीवन शैली ही कुछ ऐसी होती है कि वो हमेशा भक्ति, ज्ञान, ध्यान में रहते हैं, सारे संसार का कल्याण चाहने वाले होते हैं और पूरे पुर का हित चाहने वाले होते हैं। पुरोहित को पुरोहित बोला ही इसलिए जाता है कि वो पूरे पुर का हित चाहते हैं।
तो अगर ऐसे किसी इंसान को हम दान करते हैं जो पूरे पुर का हित चाहे, जो लोक कल्याण में लगा हो, जो ध्यान ज्ञान और भक्ति में लगा हो, तो वो अवश्य ही सुपात्र को दिया गया दान है। ब्राह्मणों में अक्सर ये सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए परंपरा ऐसी है कि ब्राह्मणों को दान करना उत्तम बताया गया है। हमें श्राद्ध के दौरान क्या क्या बनाना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए? जब हम पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी शांति के लिए कुछ श्रद्धापूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो केवल वस्तु और धन के दान से ही उनको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। पितरों की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता में भी है। तो जब हमारा मन शांत होता है, जब हम पवित्र शुद्ध भाव में रहते हैं, जब हम थोड़ा ध्यान में उतरते हैं, जब हम थोड़ा भक्ति करते हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं, इन सब बातों से भी पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि पितृ पक्ष में हम कम से कम ये 15 दिन जब हम पूरी श्रद्धा से पितरों के लिए कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हो, तो ये 15 दिन हमारे मन और शरीर की शुद्धता रखना भी थोड़ा आवश्यक होता है। इसीलिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसे हमें सात्विक आहार में रहना बहुत ही आवश्यक होता है इन 15 दिनों में। जब हम सात्विक आहार लेते हैं, अपना व्यवहार सात्विक रखते हैं, अपना विहार सात्विक रखते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं, थोड़ा ज्ञान सुनते हैं, तो ये सभी बातें हमारे पितरों को प्रसन्नता देती हैं और इससे हमें वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो तमोगुण को बढ़ाती हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन या और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो तमोगुण को बढ़ाने वाली है, किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडे खाना, मांस मदिरा का प्रयोग करना, ये सब चीज़ों को वर्जित बताया गया है पितृ पक्ष में। उसके अलावा वो सारी चीज़ें जो सत्व गुणों से परिपूर्ण हैं, उन सब का आहार करना बहुत ही शुभ है। वो सारी चीज़ें जो हम में सत्व गुण को बढ़ाए, उन सभी चीज़ों का आहार करना बहुत ही शुभ माना जाता है पितृपक्ष में। कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आपके पितरों को बहुत पसंद थी, वो भी बनाई जाती हैं और उनका भी दान किया जाता है। तो जो चीज़ें अपने पितरों को पसंद थी, एक तरह से ये भी एक परंपरा है कि हम उनको याद करते हैं किसी शुभ भाव को लेकर के, कि आपको ये पसंद था, हमने आपके लिए प्रेम पूर्वक ये बनाया है और हम इसको दान कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का बनाने की भी परंपरा चली आ रही है, पर ये ज़रूरी है कि हम जो भी आहार रखें अपना, वो शुद्ध हो और सात्विक हो, यही पर्याप्त है। अगर किसी का बेटा नहीं है तो क्या उनकी बेटी श्राद्ध कर सकती है? वैदिक काल से ही पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार दिए गए हैं। जो श्राद्ध कर्म पुत्र कर सकते हैं, वही श्राद्ध कर्म पुत्रियां भी कर सकती हैं और दोनों से ही पितरों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। पुत्र की तो परिभाषा ही यही बताई गई है, पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र, अर्थात जो पुम नाम के नरक से तारे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्री की भी यही परिभाषा है, जो पुम नाम के नरक से तारे वो पुत्री है। तो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों को समान अधिकार होता है श्राद्ध कर्म करने का, इसमें कोई भेद नहीं है। हमें श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए? एक आत्मा के मनुष्य शरीर में आने के साथ ही कुछ ऋण भी हैं जो हम पर आ जाते हैं। पैदा होते ही ये 3 प्रकार के ऋण हैं जो एक मनुष्य को मिल जाते हैं। वैसे तो बड़े होते होते और जो हम हैं वो बनते हुए, कई लोगों का योगदान उसमें होता है और कई लोगों के ऋण, कई शक्तियों के ऋण हम पर रहते हैं, पर हम किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं उसे चुकाते भी रहते हैं। पर ऐसा बताया गया है कि ये 3 ऋण ऐसे हैं जिनका कभी भुगतान हो ही नहीं सकता। इनमें से पहला ऋण है देव ऋण, यानी इस प्रकृति का जो हम पर ऋण है वो। ये प्रकृति हमें रोशनी देती है सूर्य बनकर, जल देती है, हवा देती है, चलने के लिए धरा देती है। तो ये सारे ऋण रह जाते हैं हम पर।
और इस ऋण का कभी भुगतान नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं देव ऋण। दूसरा ऋण बताया गया है ऋषि ऋण, यानी जो भी ज्ञान हम संचित करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए या हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए, वो सारा ज्ञान किसी ना किसी ऋषि की देन है और वो ज्ञान हम तक पहुंचा है। तो यानी जितने भी लोग उस ज्ञान को हम तक पहुंचाने में सहयोगी हुए हैं, उन सभी का हम पर ऋण है। इसे ऋषि ऋण कह सकते हैं, गुरु ऋण कह सकते हैं। और तीसरे प्रकार का ऋण होता है पितृ ऋण, यानी हमारे माता पिता का ऋण और उनके भी पूर्वज जो रहे हैं उन सब का हम पर ऋण है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है वो उन्हीं की देन है। इसी शरीर का उपयोग करते हुए हम अपने आध्यात्मिक पथ पर गति करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। जितने भी संसाधन हमें मिले हैं वो हमारे माता पिता से या उनके पूर्वजों द्वारा जो हमें मिले हैं, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो, चाहे वो बुद्धि ही क्यों ना हो, ये सारे संसाधन, ये सारे स्किल्स जो हमें प्राप्त हुई हैं हमारे पूर्वजों से, इन सब का ऋण रहता है, जिसे हम पितृ ऋण बोलते हैं। इसका भी भुगतान कभी नहीं किया जा सकता। तो जो पितृ पक्ष में 15 दिन हम जो छोटे मोटे रिचुअल्स करते हैं, तर्पण करते हैं, ये एक तरह से अभिव्यक्ति है अपने कृतज्ञता की, अपनी ग्रैटिट्यूड की कि आपने हमें इतना कुछ दिया है, उसके बदले में हम केवल आपके श्रद्धापूर्वक आपके लिए एक छोटा सा, एक सिंबॉलिक तरीके से ये छोटा सा कार्य कर रहे हैं। इसे आप हमारी भक्ति समझ के, हमारा थैंक यू समझ के स्वीकार करें। कुल कितने श्राद्ध होते हैं? मत्स्य पुराण और यम स्मृति के अनुसार 5 तरह के श्राद्ध कर्मों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला श्राद्ध कर्म जिसे हम कहते हैं नित्य श्राद्ध, जो हम हर रोज अपने पितरों को स्मरण करके उनके प्रति धन्यभागी होकर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बहुत ही साधारण विधि से करते हैं। इसमें कुछ लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं नहीं होती। हमारी जो नित्य पूजा, दैनिक पूजा है, उसके साथ उनको याद करके उनके नाम से तर्पण किया जाता है, उसे कहते हैं हम नित्य श्राद्ध। फिर आता है नैमित्तिक श्राद्ध, जो किसी एक विशेष पितृ की पूजा के लिए हम करते हैं। आमतौर पे हमने देखा होगा जब हमारे परिवार में कोई चला जाता है तो उसके 1 साल बाद जो श्राद्ध पूजा होती है, या हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जो हम पूजा करते हैं, जो तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, इन श्राद्ध कर्मों को हम नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। तीसरा नंबर आता है काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध हम अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने पितरों का आवाहन करते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा ये काम ठीक से पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए। इसके लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो कहा जाता है काम्य श्राद्ध। फिर आता है वृद्धि श्राद्ध और नंदी श्राद्ध, दोनों एक ही हैं, वृद्धि श्राद्ध बोले या नंदी श्राद्ध, जो किसी आनंद उत्सव पे किया जाता है। जब घर में आनंद का वातावरण हो, चाहे विवाह हो रहा हो, संतति का जन्म हो, तो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका आवाहन करते हैं और उनका पूजन तर्पण करते हैं, इसे कहा जाता है वृद्धि या नंदी श्राद्ध। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है पार्वण श्राद्ध। ये पितृपक्ष के 15 दिनों तक जब हम सभी पितरों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यभागी होते हैं, उनका पूजन तर्पण करते हैं, इन 15 दिनों में सभी पितरों के लिए सामूहिक रूप से किए गए श्राद्ध को हम पार्वण श्राद्ध कहते हैं। क्या श्राद्ध करना जरूरी है? कई बार हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या पितरों का तर्पण करना जरूरी है, श्राद्ध करना जरूरी है, या पितृपक्ष में नियमों का पालन करना कितना जरूरी है? अगर हम ऐसा नहीं कर पाते किसी कारणवश तो क्या पितृ रुष्ट हो जाते हैं, हमें श्राप देते हैं? तो हमें इसको एक अलग ढंग से समझना जरूरी है। आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे और आपके स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुआ करती थी, सब बच्चों के पेरेंट्स आए और आपके पेरेंट्स उस मीटिंग में ना आए, तो एक एक बच्चे को आप याद कीजिए वो दिन जब आप छोटे थे तो कैसा अनुभव होता है। उसी तरह से अब परिस्थिति थोड़ी उलट है, सारे पितृ धरती पर आते हैं अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए और सभी परिवार के लोग
संसार भर में पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें आदर से याद करते हैं, पर केवल आप ही अगर ऐसा ना करें तो कैसी भावना आएगी आपके पितरों को। तो ये तो हुई थोड़ी सामाजिक बात, पर एक और थोड़ी सूक्ष्म बात जानने की यहां आवश्यकता है। कोई भी आदर या कृतज्ञता का कृत्य कभी अनिवार्य नहीं होता। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने पूर्वजों के प्रति, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, जिन्होंने हमें संपत्ति दी है जिस पर हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कुछ दिन जब उनका समय आया है तो हम उनके लिए भी थोड़ा बहुत तर्पण करें, थोड़ा दान पुण्य करें। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो दान पुण्य तर्पण पिंडदान होता है, यही पितरों का भोजन होता है आने वाले एक साल तक। हमारे दान पुण्य से ही पितरों की आध्यात्मिक उन्नति होती है पितृलोक में। हमारे द्वारा किए गए पिंडदान, हमारे द्वारा किए गए ब्राह्मण भोज के बारे में यहाँ तक बताया गया है कि जब हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो वो एक तरह से यज्ञ में दी हुई आहुति के समान है, जो सीधा पितरों तक पहुंचती है, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, उनकी यात्रा सुलभ होती है आगे की। तो ये कतई अनिवार्य तो नहीं है, पर ये जरूर हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग अपने पितरों का तर्पण करें, समय समय पर श्राद्ध कर्म करें और पितृ पक्ष में खास तौर पे उनका स्मरण करते हुए कुछ शुभ कार्य, कुछ दान पुण्य अवश्य करें। अमावस्या श्राद्ध के दिन सभी का श्राद्ध एक साथ किया जा सकता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का समय बहुत ही खास होता है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे स्थूल जगत भूलोक की और सूक्ष्म जगत पितरों के लोक की जो दूरी है वो काफी कम हो जाती है और हमारे सारे पूर्वज, हमारे पितर इन्हीं 15 दिनों में हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर प्रकट रहते हैं। इसी कारण से इन 15 दिनों में हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उन्हें स्मरण करते हुए कुछ दान पुण्य पिंड तर्पण आदि किया जाता है। वैसे तो हर एक पितर के लिए एक खास दिन तय होता है, अर्थात जिस दिन उनका देहांत हुआ होता है, जिस तिथि को उनका देहांत हुआ होता है, उसी तिथि को उनका तर्पण करना, उनके लिए पिंड दान करना, पूजन करना बताया गया है। पर अगर किसी कारणवश हम उस दिन ना कर सकें, या सभी पितरों का अगर हम सब एक ही दिन करना चाहें, तो उन सब के लिए एक दिन सबसे अत्यधिक शुभ बताया गया है, वो है महालय अमावस्या, जिसको सर्व पितृ अमावस्या भी बोलते हैं, अर्थात पितृपक्ष का जो आखिरी दिन होता है, अमावस्या होती है। इस दिन हम अपने सभी पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं और ये दिन अत्यंत ही शुभ बताया गया है अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनके लिए कुछ भी शुभ कार्य करने के लिए। अगर कोई भोजन ना पकाकर सूखा सामान श्राद्ध के लिए निकालना चाहता है तो क्या वह करना उचित है? श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोज, दान, पिंड दान और तर्पण का बहुत महत्व है, पर अगर किसी कारणवश, परिस्थिति या काल के वश अगर हम ये सभी काम नहीं कर पाए, फिर भी पिंड दान तर्पण तो अवश्य ही करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम, जैसा कि आज के समय में कोरोना का काल है और शायद ब्राह्मण भोज करवाने की व्यवस्था नहीं हो पाए, तो फल, अन्न, वस्त्र और कुछ दक्षिणा का दान करना भी उपयुक्त बताया गया है। ऐसा भी किया जा सकता है, इससे भी पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। पितरों को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग करें, सेवा करें, समाज कल्याण के लिए कुछ सेवा करें, इन सभी पुण्य कर्मों का एक भाग सबसे पहले हमारे पितरों को जाता है और इन सभी कार्यों से पितरों को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, समाज कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं,
इन सब बातों से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन सभी के साथ साथ अगर हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी बहुत ठीक तरह से निभाते हैं, अपने माता पिता का खास ख्याल रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, अपने बच्चों का सही तरह से पालन पोषण करते हैं, तो भी इन सब बातों से पितरों को बहुत प्रसन्नता होती है और हमें उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे कर्म तो हैं ही, इन सब के अलावा अगर 15 दिन साल में अगर आप रोज नित्य श्राद्ध नहीं कर सकते, तो कम से कम इन 15 दिनों में अपने पितरों की तर्पण के लिए, उनके पूजन के लिए अगर हम कुछ विशेष समय निकाल पाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी याद में कुछ दान पुण्य करते हैं, तो इन सब बातों से भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हमारा परिवार आगे बढ़ता है, हमारे परिवार में खुशहाली आती है और हमारा जीवन यापन एक बहुत ही सुखद तरीके से होता रहता है।